स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है, तो देखिए पॉलिटी, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पाया है हमेशा पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा एवरग्रीन है, और जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होता है वो हमेशा फायदे में रहते हैं क्योंकि उनका ये सब्जेक्ट है। और मैं हमेशा इसीलिए सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है पॉलिटी, तो आपके लिए जो है फायदा ये होगा कि आप पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं आराम से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और एक कॉन्फिडेंस भी आपको रहेगा। और दूसरे ऑप्शन में एक सबसे बड़ी यही बात है कि जीएस में आपको जो है उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। चलिए तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपका राइट टू इक्वालिटी है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राइट टू फ्रीडम है, और एक सेकेंड है, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। तो ये हिंदी में भी एक बार दिखा देता हूँ फिर आपको सही। तब जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का जो केंद्रीकरण है किसका उल्लंघन करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अब यूपीएससी एग्जामिनेशन में यही एक सबसे खास बात है कि आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी आर्टिकल पढ़ लो, सब चीजें पढ़ लो, लेकिन आपको जो पूछा जा रहा है वो थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, ट्रिकी होता है। तो अगर आपकी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सीधी सीधी चीजें समझ में आती हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा फिर इंग्लिश में हम लोग आएंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण, केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, जो मनी है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है। आपको मालूम होगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात की गई है कि मनी का जो कॉन्सेंट्रेशन है, धन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए सोशलिज्म है, समाजवाद, राइट, और समाजवाद में क्या किया गया है, मैंने आपको हमेशा बताया सोशलिज्म में क्या बात की गई है, सोशलिज्म बात की गई है कि ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए, ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, राइट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, आपको मालूम होगा, और ये सारी सोशलिज्म लाने की जो बात की गई और प्रीएम्बल में भी ऐड किया गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, राइट, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, इसका आंसर जो है क्या सही है, इसका आंसर ये सही है। बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो धन का है, जो वेल्थ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है, और ये जो बात की गई है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बात की गई है, डीपीएसपी में बात की, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, ठीक है। अब देखिए इसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर की बात की गई, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर जो है वो कहाँ वॉयलेट करता है किसी चीज को, देखो आप अगर आप थोड़ा सा घुमाने वाली बात की गई, क्योंकि वेलफेयर स्टेट जो है उसका जो कॉन्सेप्ट दिया गया है किसमें दिया गया है, डीपीएसपी में दिया गया, तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जो है आप देखिए क्या आंसर आया, बी आंसर आया, समझे आप इस बात को, ठीक है, कोई क्वेरी किसी को, ठीक है, अगली मुझे लगता है इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात है ही नहीं, और अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा। उस क्वेश्चन में मतलब एक एंड ये भी था, उन्होंने पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वेलफेयर स्टेट डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर वर्ड नहीं आता है, उन्होंने इसलिए लिखा भी था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए ऐसा वेलफेयर स्टेट की जो बात है वो डीपीएसपी के अंदर है, एनश्राइंड है उसमें, ठीक है, डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है लेकिन डीपीएसपी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो वही है वेलफेयर स्टेट के लिए, कल्याणकारी राज्य के लिए, उसका डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट ही वही है, ठीक है। प्रश्न का जो मिजाज है, प्रश्न जो क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाह रहा है वो ये पूछना चाह रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, राइट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो वेल्थ है वो हमारे डीपीएसपी में दिया गया, और डीपीएसपी में अगर ये कह सकते हैं वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वॉयलेट करेगा, किसको वॉयलेट करेगा, डीपीएसपी को वॉयलेट करेगा, प्रश्न ये है। मतलब भारत में पैसे का किसी एक व्यक्ति के पास जो है कॉन्सेंट्रेशन नहीं हुआ कि एक आदमी अरबपति बन जाए, वो ठीक है बन जाएगा कोई बात नहीं, आप बन सकते हैं पैसे वाले, लेकिन आप पे टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स इम्पोज किया जाएगा,
कोशिश की जाएगी कि बराबरी की भागीदारी हो, सब लोग बराबर के हो जाए, इसीलिए तो टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं, इम्पोज किए जाते हैं। तो ठीक है बेटा, हर्षित कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें क्या लिखा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझने की बात यहाँ पे ये है कि जो संपत्ति का अधिकार है, जो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, आपको मालूम होगा कि हम पहले राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर हम हमारे संविधान को पढ़ेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 31 है, ठीक है, हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल 31 है। तो जो आर्टिकल 31 है उसमें क्या बात की गई है, आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 31 में क्या बात की गई? बोलो बेटा, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई है। लेकिन लेकिन ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, पहले फंडामेंटल राइट था, फिर बाद में क्या किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये पार्ट थर्ड से निकाल के कहां पे 300A में शिफ्ट कर दिया गया, राइट। तो पहले ये फंडामेंटल राइट था और अब ये जो है लीगल राइट है 300A में। तो उन्होंने ये पूछा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। अब जो बच्चा पढ़ा हुआ होगा तो पता है, क्या पता है उसको, उसको ये मालूम है अच्छे तरीके से कि हमने पढ़ा हुआ है और ये लीगल राइट। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जो लीगल राइट है अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, राइट। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, ऐसा नहीं है। ये जो है लीगल राइट जो है वो अवेलेबल टू एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। और एक चीज ध्यान रखना है आपको कि ये जो लीगल राइट है, ये लीगल राइट तो है ही है, ये फंडामेंटल राइट के कैटेगरी में नहीं आता है, साथ में ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, ये एक संवैधानिक अधिकार भी है, क्योंकि इसका जो प्रोविजन किया गया है वो आपके आर्टिकल 300A में किया गया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन दिया गया है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, ठीक है, ये इसका जो है सही आंसर है। तो क्या बात आपको समझ में आई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे? यस सर, यस सर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो इसका सीधा आंसर है, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, यह विधि का अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है और आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे, फिर इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की जो वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए हैं, ये क्वेश्चन प्रीएम्बल से आया है, प्रस्तावना से आया है। तो जो प्रीएम्बल है हमारा, प्रीएम्बल में आप देखेंगे कि बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें जोड़ी गई। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन हुआ है, उसके द्वारा हमारे संविधान में क्या जोड़ा गया, ठीक है, आपको मालूम होगा, सेक्युलर सब जोड़ा गया, सोशलिज्म जोड़ा गया, मालूम है ना आप लोगों को। तो 26 जनवरी 1950 की जो एक्चुअल पोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन में थी वो आप देख सकते हैं क्या लिखा था, उसमें क्या लिखा हुआ था, हमारी प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें बताया कि 26 जनवरी 1950 का स्टेटस क्या था, तो वो था सोवरन, डेमोक्रेटिक, ठीक है, और रिपब्लिक। अब मतलब ये बी आंसर जो है उसका एप्रोप्रिएट आंसर है, गलत क्या होगा इसमें, आप देखिए गलत जो इसमें है, सेकुलर शब्द बाद में जोड़ा गया है, सोशलिस्ट सेकुलर बाद में जोड़ा गया, तो सी और डी तो वैसे भी नहीं है। अच्छा, अब हमने ए भी हम चूज कर सकते थे, लेकिन सबसे खास बात है कि सबसे सटीक और सबसे एप्रोप्रिएट जो आंसर है
वो हमें बी मिल रहा है क्योंकि उसमें सोवरन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की बात की गई है, इसलिए। ठीक है बेटा, तो मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाहता। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली बात हम करेंगे तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे खास बात यह है कि जब भी पॉलिटी अगर आप पढ़ते हैं तो पॉलिटी में हमें एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे हम पॉलिटी में कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं, और कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं सरकार उससे बंधी हुई है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि ऐसी सरकार। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में एक थिंकर है जिनका नाम जॉन लॉक है। तो जॉन लॉक क्या कहते हैं कि पहले जब स्टेट बना है, तो स्टेट जब बना है, स्टेट का जब फॉर्मेशन हुआ है, तो उस समय समाज बना। ठीक है, समाज बना, और समाज में से मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ ताकि आप समझ सके। तो समाज पहले की स्थिति क्या थी, राज्य नहीं था, स्टेट था नहीं। तो जो स्टेट नहीं था इसलिए सोसाइटी बनी पहले। फिर सोसाइटी में से कुछ लोगों ने मीटिंग किया, और मीटिंग करने के बाद उन्होंने एक राजा बनाया। और राजा को क्या किया, जो किंग है उस किंग को कुछ लिमिटेशंस के साथ बांध दिया कि राजा ये नहीं कर सकता, राजा वो नहीं कर सकता है, मतलब उसके एक लिमिटेशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नमेंट होती है वो संविधान के द्वारा बनी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें लिमिटेशंस होती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो डी ऑप्शन देख रहे हैं आप, अ गवर्नमेंट डिक्टेटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आप, इसका सीधा सा मतलब होता है कि संवैधानिक सरकार का क्या आशय है। संवैधानिक सरकार का आशय यह है कि जब कोई सरकार है संविधान से क्या हो, उसकी सीमाएं बंधी हुई हो। संविधान से कोई भी सरकार है वो ऐसा नहीं कर सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, उसके ऊपर लिमिटेशन है, उसके ऊपर सीमाएं हैं। यही मतलब जो है वो संवैधानिक सरकार का होता है। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगली हम बात करेंगे तो इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया है भारत रत्न और पद्म अवार्ड के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, आर्टिकल 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। तो 18 में क्या दिया है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। देखो ऐसा करके है, अगर आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इस चीज का प्रोविजन दिया हुआ है, बट इसमें ऑप्शंस इसमें क्या है, क्या पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि देखिए कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या विचार कीजिए, क्या उसमें बोला है। उसमें ये बोला है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा स्टेटमेंट सही है, इंग्लिश में देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है इसमें एक सबसे खास बात दी गई है, क्या आप देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, आप यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट लगा है, देख रहे हैं आप। हाँ एक्चुअली क्या होता है, हम इन्हीं चीजों को यूपीएससी में क्या होता है, इग्नोर कर देते हैं। तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना है कि उसमें क्या क्या बताया गया है, उसमें ये चीजों को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नॉट लगा है नहीं। मैंने कल भी आपको बताया था कि इस चक्कर में क्या हो जाता है, इसमें दिक्कतें हो जाती है, तो उसमें क्या लगा है, क्या नहीं सही है। तो अगर आप देखेंगे कि भारत रत्न पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं, तो ऐसा आपने पढ़ा है क्या कहीं, बोलिए ऐसा आपने पढ़ा है बताइए, मतलब उसके अंतर्गत जो है इसके, इससे रिलेटेड एक केस है, उस केस को आप रेफर करना, बालाजी राघवन केस जो है उसको आप रेफर कर सकते हैं। तो
बालाजी राघवन केस में ये कहा गया है कि ये जो है एज ए टाइटल ट्रीट नहीं किए जाएंगे। बालाजी राघवन केस में कहा गया है कि ये जो है कह सकते हैं कि टाइटल ट्रीट नहीं किए जाएंगे, तो पहला ऑप्शन गलत है। और वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था, ठीक है, केवल एक बार निलंबित किया गया था। तो ये देखिए बहुत कह सकते हैं डेफ में क्वेश्चन पूछा गया, इतना इस तरीके से कोई पढ़ता नहीं है, मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि पद्म अवार्ड व्हिच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, आप देख चेक कर सकते हैं इसको। और जो तीसरा स्टेटमेंट है, ठीक है, द मेंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इसका आंसर भी जो है आपका गलत है। और आप इसको इसको वेबसाइट इसका चेक कर सकते हैं, पद्म पुरस्कार और जो आपकी भारत रत्न पुरस्कार, उसमें सब सब लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है क्या सही नहीं है, तो इसमें तीनों सही नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत डेप्थ में पूछा गया है, थोड़ा सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, अवार्ड्स को उन्होंने क्या किया है, अवार्ड्स को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिंक किया है। देखिए आप यूपीएससी का पैटर्न समझिए, आप किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इस तरीके से पढ़ेगा और इस तरीके से वो आंसर को कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। स्पेशल स्टडीज की बात नहीं कर सकता हूँ कि अगर किसी ने की है, एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन जनरली जो है बच्चा ऐसा प्रिपरेशन नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ कैटेगरी, डिफिकल्ट कैटेगरी में है, और इसका जो सही आंसर है वो डी है। आगे बात करते हैं, तो आगे क्या लिखा है, आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया है कि जुडिशियल कस्टडी के बारे में दिया गया, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी के बारे में दिया गया है। इसको हम देखते हैं कि दोनों ऑप्शन में पढ़ूंगा आपको, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, ठीक है, ठीक है, क्या लिखा है कि विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्या इसमें बताया गया, इसमें बताया गया कि जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। क्या मतलब हुआ इसका, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेट करता है, लेकिन अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे, जैसे आप बताते हैं जो बुक्स वगैरह बहुत सारे लोग उसका पब्लिसिटी करते हैं, तो ऐसा बुक्स में ऐसा डिटेल में नहीं दिया गया है, ये प्रैक्टिकल बात। कभी भी किसी व्यक्ति को मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ध्यान से सुने, जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है तो पुलिस उसको अपने पास रखती है, पुलिस कस्टडी में रखती है, ठीक है। अब जैसे हम आर्यन खान का मामला ले लेते हैं, अभी हाल का मामला है, तो आर्यन खान को अगर पुलिस ने पकड़ा है, राइट, एनसीबी ने पकड़ा है, तो अपने पास रखा है, तो ये क्या हो गई, एक तरीके की पुलिस कस्टडी हो। तो ये होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स पेश करना होता है, 24 आवर्स के अंदर पेश करना होता है, किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। और फिर मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करता है कि इसको जुडिशियल कस्टडी में रखना है या पुलिस कस्टडी में रखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझने वाली बात बेटा यहाँ पे ये है कि पुलिस हमेशा डिमांड करती है कि इसकी पुलिस कस्टडी दी जाए, ताकि हम इसका इंटेरोगेशन कर सकें, इनसे पूछताछ कर सकें। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी न्यूज आता है कि 7 दिन तक का, 7 अक्टूबर तक का पता चला कि पुलिस कस्टडी दे दी है, तो पुलिस फिर अपने पास रखती है और इंटेरोगेशन करती है, तो ये हो गया पुलिस कस्टडी। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि अब ये इंटेरोगेशन की जरूरत नहीं है, अब इसको हमको अपनी कस्टडी में रखना है, तो उसे हम कहते हैं जुडिशियल कस्टडी। बात समझ में आई आपको, जब किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करता है कि इसको जुडिशियल कस्टडी में रखना है, मतलब जेल में रखना है, या फिर पुलिस कस्टडी में रखना है, पुलिस के पास रखना है। तो क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई है, मुझे लगता है जरूर आई होगी निश्चित रूप से। अब देखो क्वेश्चन देखो कि जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल।
क्या स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको? नहीं सर, गलत। ये स्टेटमेंट गलत है। वेरी गुड, एकदम सही बेटा है, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो मैं हिंदी में समझा देता हूँ एक बार। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है, सही है, और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है। हवालात में कब रखा जाता है? लॉकअप में कब रखा जाता है? जबकि वो पुलिस कस्टडी में होता है। तो ये लास्ट वाले जो स्टेटमेंट है बेटा वो गलत है। तो पहला वाला क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। तो अभी देखो, अगर मान लिया मुझे पहला ऑप्शन भी पता है कि वो गलत है, तो ए ऑप्शन में देखो फर्स्ट है, सी ऑप्शन में देखो फर्स्ट है, डी ऑप्शन में देखो बेटा फर्स्ट है, नहीं लग रहा आपको? तो अगर हम अगला नहीं भी पढ़ेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? आप ऑप्शन सेकंड बन जाएगा। क्या बात समझ में आई? अच्छा, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते, ठीक है। देखो क्या इसमें लिखा है, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। सही बात है, जब वो जुडिशियल कस्टडी में है, उसको इंटेरोगेशन करना है, ठीक है, एक्यूज को, तो वो मजिस्ट्रेट की परमिशन से ही हो सकता है। तो ये जो है ऑप्शन आपका क्या है, एकदम सही है। तो ये क्वेश्चन देखो, आपको लगता है कि डायरेक्टली पॉलिटी से पूछा गया है, आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल जरूरत है, प्रैक्टिकल अप्रोच की जरूरत है? बोलो ये बात मेरी समझ में आ रही है आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे? यस सर। अगली बात करते हैं, ठीक है। और जुडिशरी से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ये तो मैंने आपको बताया है कि कल भी मैंने आपको बताया था, भले ही वो अपॉइंटमेंट का मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, बट जुडिशरी एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे प्रश्न लगातार पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अगली हम बात करते हैं, तो अगला हम मैटर समझते हैं क्या है। देखिए ये भी बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसमें पैरोल की बात की गई। देखिए उस क्वेश्चन में क्या बात की गई है, इस क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन में पैरोल की बात की गई है। तो आपको मालूम है कि देखिए मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ में। देखिए क्या आपको संजय दत्त का सीन याद है कि संजय दत्त जब वो जेल में थे तो बीच में घर जाया करते थे, क्या आपको पता है ये बात? संजय दत्त जेल में थे तो बीच बीच में घर जाया करते थे। तो एक स्टेटमेंट, एक आपने टर्म सुना होगा जिसको हम पैरोल कहते हैं, इसके बारे में पूछा गया। तो कभी भी अगर कोई व्यक्ति है जैसे आर्यन खान है, तो आर्यन खान को अभी क्या हुआ है, बेल नहीं मिली है। इसका मतलब क्या है? जुडिशियल कस्टडी है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या हो गया? मजिस्ट्रेट की कस्टडी में है, और जब मजिस्ट्रेट की कस्टडी में है तो कहाँ रखा जाता है? जेल में रखा जाता है। पुलिस कस्टडी में है तो इसका मतलब कहाँ रखा जाता है? हवालात में रखा जाता है। ये दोनों में अपने आप में अंतर है। लेकिन जब कोई व्यक्ति जेल चला जाता है तो जेल चले जाने के बाद, ठीक है, तो जेल में रहने पर क्या होता है कि अगर व्यक्ति को बेल मिल गई तो बेल के लिए क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट मतलब हमारी जो जुडिशरी है वो कुछ कंडीशन डालती है कि भाई आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा और इसने पे आप जो है छूट सकते हैं, आपको बेल दे दी जाएगी। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, क्या ये बात समझे आप? पेरोल में क्या होता है कि पेरोल में किसी व्यक्ति को जो है, पेरोल में किसी व्यक्ति को जेल में रहता है और उसके कैरेक्टर अच्छा है, राइट, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है जेल के अंदर, इस बिहाव पर जो है उसको क्या किया जाता है, उसको जो है पैरोल दे दिया जाता है। पैरोल का मतलब क्या होता है? घर जाने की आजादी, घर जा सकता हो। तो देखो ये घर जाने का जो उसको प्रोविजन दिया गया है, यहां ध्यान से समझना है, ये अथॉरिटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि अथॉरिटीज को अगर लगता है तो भेजेंगे, नहीं लगता है तो नहीं भेजेंगे, ये तो उनके डिपेंड है। तो ये किसी प्रिजनर का कोई राइट नहीं, ये किसी प्रिजनर का कोई राइट नहीं बेटा, ये बात आप समझिए, ठीक है। चलिए अब हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया वो हम देखते हैं। ये रुकिए एक सेकंड है बेटा।
तो पेपर को देखिए, आपको क्या फील हो रहा है, क्या आपको लगता है यूपीएससी का एग्जाम्स आज आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, पेपर देने के बाद आपका एक अप्रोच चेंज हुआ होगा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और जरूरी भी होता है, बहुत एग्जाम देने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो देखिए ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये देखिए अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, तो पढ़िए आप पहला स्टेटमेंट क्या क्या लिखा हुआ, आप समझिए जरा उसको और मुझे बताइए क्या सही है गलत है। पहला स्टेटमेंट देखिए जरा, मैंने आपको बताया पैरों को राइट नहीं है, क्या ये सही है स्टेटमेंट और गलत है? गलत है सर। गलत है सर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आप इसको एक बार हिंदी में भी देख सकते हैं कि जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरल मना नहीं किया जा सकता है। अरे भाई क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ये उसके अधिकार का मामला बन जाता है। मैंने कहा कोई अधिकार है ही नहीं भाई, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना है कि उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने ये पूछा है कैदी को पैरल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है। देखो जरा, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, तो हर स्टेट गवर्नमेंट के अपने रूल्स हैं। तो इसका सही आंसर क्या हुआ बेटा, इसका सही आंसर क्या हुआ? बी। तो सेकंड जो है, सेकंड जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। तो आपको लग रहा होगा कि हमको थोड़ा लीक से हटके पढ़ने की आवश्यकता है, चीजों को समझने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, मतलब सिर्फ किताबों के भरोसे यूपीएससी क्रैक नहीं किया जा सकता, ये बात आप समझ लें। अगली बात करते हैं हम, तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है नोडल एजेंसी की बात की गई, किससे रिलेटेड, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, जो वन अधिकार है, आपने देखा होगा जो जनजातियां हैं ट्राइबल्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, राइट। और ये फॉरेस्ट एक्ट जो है, जो वन के अधिकार हैं उनके, उससे रिलेटेड उन्होंने क्या पूछा है, एजेंसी पूछी, देखिए आप क्या, ठीक है। उस मतलब उनके जो अधिकार हैं उनके लिए कौन सी नोडल एजेंसी है, ठीक है। तो इसका ये मुझे लगता है सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है ये आपके सामने है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मतलब आप अगर सरकार में जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज में जाने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री क्या काम करती है, लेकिन जो फॉरेस्ट राइट्स हैं बहुत चर्चा में रहते हैं और कौन सी मिनिस्ट्री कंसर्न है, तो कंसर्न मिनिस्ट्रीज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ये प्रश्न हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो ये पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको फंडामेंटल राइट मैंने आपको पढ़ाए थे, आपको ध्यान होगा बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों के बारे में आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो उसमें देखिए कि कानून को लागू करने के मामले में, ठीक है, कानून को मतलब लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ, कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? देखिए जरा, अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या होगा ये तो आपको पता होगा, एग्जीक्यूटिव कौन होता है, हमारे प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, राइट, गवर्नर, ये सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, प्रशासनिक जो चीजें हैं, ठीक है, अथॉरिटी है, एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर्स, देखिए आप डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो आर्टिकल 14 है, ठीक है। इसमें रूल ऑफ लॉ की बात की गई है कि रूल ऑफ लॉ को कोई वायलेट नहीं कर सकता है। तो रूल ऑफ लॉ की बात बेटा कहाँ की गई है आप बताएंगे जरा मुझे? रूल ऑफ लॉ की आपने देखा होगा कि रूल ऑफ लॉ जो टर्म है, राइट, वो हमने डायरेक्टली आर्टिकल 14 में मेंशन नहीं किया है, बट ये आर्टिकल 14 में है बेटा, ये बात मालूम है आपको? यस सर। ठीक सर, इसमें मुझे डाउट था, बोलो बेटा। सर इसमें एक ऑप्शन है आर्टिकल 32 का, तो उसके अंडर रिट्स का प्रोविजन है, बट बेटा उसकी बात, देखो उसकी बात यहाँ पे नहीं की गई,
उसकी बात यहाँ पे नहीं की गई है। वो क्या कर रहा है, वो क्या बात कर रहा है कि लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई किसी को क्या उत्तर है, किसी को जो है डिस्क्रिशनरी पावर की बात की गई यहाँ पे, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर की बात की गई है। तो अगर वो लॉ वॉयलेट करता है तो कानून के सामने, कानून क्या हुआ, मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की आपसे बात की है, हम संवैधानिक सरकार है, सभी के पावर्स कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं, रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन्हीं के। करना पड़ता है अगर ये पावर है, वो ये रेमेडीज की बात की गई, लेकिन ये वॉयलेट करता है तो ये आर्टिकल 14 की बात, समझिए जरा आप इस बात। ओके सर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इज द फेडरल इन कैरेक्टर। मतलब भारत में एक संघीय सरकार और फेडरल गवर्नमेंट होने का मतलब बेटा ये होता है, फेडरल गवर्नमेंट होने का मतलब ये होता है कि जहां पर यूनियन गवर्नमेंट भी होती है और साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी होते हैं, मतलब राज्य सरकारें भी होती हैं और साथ साथ में यूनियन गवर्नमेंट भी होती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी व्यवस्था जहां भी हो, ऐसा सिस्टम जहां भी हो, उसे हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। तो भारत में फेडरल गवर्नमेंट, बट क्या पूछ रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट का फीचर क्या, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट का क्या फीचर है, ये तो पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर, उसका आवश्यक विशेषता है फेडरल कैरेक्टर की। तो फेडरल कैरेक्टर की सबसे जो खास विशेषता है वो पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, राइट। देखिए मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, कई बार आप देखिए कि इस बात को मैंने कई बार आपको फोकस किया है कि जब दो के बीच में, स्टेट और यूनियन के बीच में अगर कोई झगड़ा हो जाता है, राइट, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर दो लोग हैं, दो प्लेयर हैं और उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो एक रेफरी की जरूरत पड़ती है और रेफरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए फेडरल कैरेक्टर में। मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां संघीय व्यवस्था होती है वहां एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो। तो सबसे खास बात ये पहले ही पहले ऑप्शन में पूछ लिया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। क्या मेरी बात समझ में आई है आपको? यस सर। बहुत इजी पेपर है यार, पॉलिटी का बहुत इजी पेपर है, आप ही समझ लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो अगले क्वेश्चन में इसमें क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो है ये देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन बना है मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन बना है ये कॉन्सेप्चुअल है, ये किसी किताब से आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि हम किसी किताब से कंप्लीट कर लेंगे, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग सही से नहीं बनेगी, जब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, जब तक चीजें आपको एक अच्छी तरीके से आपके अंदर नहीं आ जाएंगी, समझ नहीं पाएंगे, समझ विकसित नहीं करेंगे, तब तक ऐसे प्रश्नों से आप काफी दूर रहेंगे, ठीक है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, स्टेट के टर्म के बारे में पूछा गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, कोई भी स्टेट जो होता है उसकी डेफिनेशन ये होती है कि भाई वहां पर क्या होना चाहिए, एक देखिए अगर राज्य है तो स्टेट है, तो स्टेट का मतलब क्या होना चाहिए, टेरिटरी होना चाहिए। बोलो बेटा, एक तो टेरिटरी होना चाहिए, उसका फीचर है ये, टेरिटरी के साथ दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा उसकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट होगी तो पॉपुलेशन भी होना चाहिए, पॉपुलेशन के बाद क्या होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। अभी जो चार चीजें हैं, ये चार चीजें किसी स्टेट को डिफाइन करती हैं, ये चार चीजें। देखो भारत है तो भारत का कोई अपना टेरिटरी है या नहीं, बताओ मुझे आप, बोलो बेटा भारत का अपना कोई टेरिटरी है या नहीं, कोई क्षेत्र है, एरिया है कि नहीं है सर, कन्याकुमारी से लेके जो है, कन्याकुमारी से लेके आपका कश्मीर तक, इधर आपका गुजरात से लेके और आपका जो है नॉर्थ ईस्ट तक, हाँ तो ये जो है आपका टेरिटरी हो गया। अच्छा गवर्नमेंट होनी चाहिए, हाँ भाई है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी काम कर रही है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया, सॉवरेनिटी, हम लोग खुद से डिसीजन लेते हैं, हम लोग खुद से डिसीजन लेते हैं, हम किसी को पूछ के डिसीजन नहीं लेते हैं। हमें अफगानिस्तान के मैटर में क्या डिसीजन लेना, हम डिसाइड करेंगे। हमें तालिबान से बात करनी नहीं करनी, हम डिसाइड करेंगे, हम किसी की पूछेंगे थोड़े नहीं कि कोई हमको बताएगा तब हम बात करेंगे, ऐसा नहीं है, हम सॉवरेन हैं। अच्छा दूसरी बात ये, हमारे पॉपुलेशन भी,
और सिर्फ पॉपुलेशन ऐसा नहीं है, हम पॉपुलेशन में भी सेकंड है, ठीक है। तो ये तो मैंने थोड़ा आपको अलग बात कह दी, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है किसी स्टेट को ऐसे डिफाइन किया। अच्छा प्रश्न क्या पूछा गया, देखिए आप देखिए ऑप्शन पढ़िए इसमें से, आप मुझे बताइए, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है, आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए किसका सही आंसर क्या है। और एक चीज पढ़ लेना आप इसके लिए इन डिटेल में, तो एक है मोंटे वीडियो कन्वेंशन, इसको आप पढ़ सकते हैं इसके 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 लिए डिटेल में, ठीक है। तो बिना समय बर्बाद किए इसका जो सही आंसर है ये है, आप एक बार देख लीजिएगा, ये इसका जो है सही आंसर है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, मैं आपको बता देता हूँ, जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है वही कंफर्टेबल जोन में रहेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो हमेशा मैंने पेपर में पाया है कि जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए काफी इजी रहता है उनके लिए, और वो कंफर्ट मतलब कंफर्ट जोन में रहते हैं, ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक फायदा मिलता है, एक एडवांटेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए जुडिशरी से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जुडिशरी से, तो आप देख सकते हैं विथ रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो निम्नलिखित कथन जो न्यायपालिका के संबंध में दिए गए हैं वो आपको बता रहे हैं, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, ठीक है, प्रायर कंसेंट से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त, ठीक है, मतलब रिटायर्ड जो है किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हैं तो बुलाया जा सकता है। ये आपने पढ़ा होगा, देखो आप एनी रिटायर्ड जज, ठीक है, आपने आर्टिकल सुना होगा रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जज और एडोक जज की बात मैंने आपको पढ़ाई थी, आपको ध्यान होगा आर्टिकल 128, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आपको मालूम होगा कि एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लगती है, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरे स्टेटमेंट पर क्या कहा गया है, अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज, बिल्कुल सही बात है भाई, हमारा जो हाई कोर्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि उसके जो भी जजमेंट होते हैं वो अपने पास रख लेता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं उनके जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनमें उनका हवाला दिया जाता है भाई, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ये। तो ये जो है हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू, बिल्कुल सही बात है, इट्स ओन जजमेंट कर सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो बेटा ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और इसका जो आंसर होगा देखिए क्या है, सी आंसर सही है, ठीक है, सी आंसर सही है। अगर आपने अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है तो आराम से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि सिटीजनशिप के बारे में है। तो क्या बताया गया है, नागरिकता के बारे में है कि देर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, तो ये तो यार बिल्कुल सही बात है, हम अमेरिका में तो है नहीं कि साहब हमारे यहाँ सिटीजनशिप ड्यूअल है, देखो आप क्या आपके पास दो पासपोर्ट है, क्या आपके पास दो पासपोर्ट है, नो सर, अमेरिका में है, अमेरिका में स्टेट का सिटीजनशिप भी होता है, अमेरिका की नागरिकता भी होती है और साथ साथ में वहां के जो है फेडरल गवर्नमेंट की भी होती है, और भारत में जबकि फेडरल गवर्नमेंट का फीचर ही वही है लेकिन भारत में आप देखोगे तो वन सिटीजनशिप है और एक ही डोमिसाइल होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब सवाल ये उठता है कि दो और तीन के बारे में क्या है, एक बार हिंदी में हम देख लेते हैं,
भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, बिल्कुल सही है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक है केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ठीक है, केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। इंग्लिश में देखते हैं इसको क्या लिखा है, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या बताया कि अ फॉरनर वंस, देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट आपका जो है वो गलत है। अ फॉरनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑफ इट। एंड क्या बात की गई, इन्हें भी देखते हैं। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि उसको आपने सिटीजनशिप दे दी उसके बाद उसको उसे उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा? किया जा सकता है भाई, क्यों नहीं किया जा सकता है? आप कॉमन सेंस से भी देख लो, आप बोलो। यस सर। क्या है इसका मतलब, इसका सही आंसर जो है केवल क्या है, एक बेटा। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें लिबर्टी की बात की गई है, देखिए स्वतंत्रता की बात की गई कि कौन सा फैक्टर ऐसा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। क्या बात की गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ कमिटेड जुडिशियरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। चलिए अब इसकी हिंदी में बात करते हैं, क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। अरे भाई अब देखिए जरा ध्यान से सुनिए क्या क्या इसमें चीजें बताएंगे। देखो आप लिबर्टी का मतलब क्या होता है, आजादी, आपको आजादी है या नहीं है पहले मुझे बताओ, आपको लिबर्टी है या नहीं है? Yes, sir. ठीक है, आप देखो इसमें क्या बताया गया, बेस्ट सेफगार्ड। अगर कमिटेड जुडिशरी होगा, कमिटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है, कमिटेड जुडिशरी का मतलब होता है कि जुडिशरी सरकार की बात मानने लगे, सरकार जैसा कहेगी वैसे जुडिशरी करेगी, कमिटेड, देखो आप कमिटेड, तो सरकार फिर क्या करेगी बोलो आप, सर गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, फिर बात हो ही नहीं पाएगी, डेमोक्रेसी कहां रहेगी आप बताइए मुझे। लोग जुडिशरी के पास क्यों जाते हैं, जुडिशरी के पास इसलिए जाते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट है, राइट, आपको एक भरोसा रहता है कि कहीं से हमको जस्टिस मिलेगा। कमिटेड जुडिशरी नहीं है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? देखो ये बेटा लिबर्टी की बात की गई, वो कह रहा है कि लिबर्टी के लिए लिबरल डेमोक्रेसी में सबसे अच्छी सुरक्षा क्या है, तो कमिटेड जुडिशरी होगी तो उल्टा हो जाएगा बेटा, वो अपोजिट में हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? यस सर। सेकेंड, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, अगर हम एक ही हाथ, एक ही व्यक्ति के हाथ में, मान लिया सारी पावर हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ में आ गई तो क्या हो जाएगा, आपकी लिबर्टी रहेगी शेष, आपको लिबर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी? अच्छा इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है ये कोई सेंस नहीं बनता यार। अच्छा सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये हो गया कि जुडिशियरी अलग होगी, एग्जीक्यूटिव अलग होगा और लेजिस्लेचर अलग होगा। मतलब ये लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया, संसद, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, जुडिशियरी का मतलब क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, तो ये सब क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग है, चेक एंड बैलेंस है। मतलब कोई किस, कोई अगर अपनी पावर का मिसयूज करेगा तो क्या करेंगे आप, जुडिशियरी के पास चले जाएंगे। बोलो अगर इलीगल डिटेन किया गया है, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। मान लिया अगर एग्जीक्यूटिव है, अतः एनसीबी एग्जीक्यूटिव है, अब एनसीबी एग्जीक्यूटिव है तो मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं, जुडिशरी के पास जा रहे हैं, जुडिशरी से बोल रहे हैं कि साहब हमें बेल दीजिए या फिर जो कुछ भी है, तब जुडिशरी के हाथ में, अगर अगर यहाँ पे लगता है कि इलीगल है या ऐसा कुछ है तो जुडिशरी के, जुडिशरी क्या करेगी, आपकी लिबर्टी को आपको देगी, उनको लगता है कि नहीं नहीं आपने गलत किया है तो जुडिशरी फिर क्या करेगी, खुद डिसाइड करेगी। और मान लिया सारी चीजें एक ही व्यक्ति के हाथ में तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है
वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी लिबर्टी के लिए। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात आपके सामने जरूर रख पाया हूँ और आप निश्चित रूप से मेरी बात को समझ पाए होंगे, इसमें समझ पाए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, क्या बात है, खामोशी बहुत ज्यादा है, एग्जाम के बाद की खामोशी ही। यस सर। अच्छा अक्षय बेटा, ये बताओ, मैंने आपको बोला था कि आपको एग्जाम देना चाहिए, राइट? आप सोच रहे थे कि नहीं सर, हम तो 2023 और 24 में देंगे, 22 में देंगे, तो क्या आपका अनुभव रहा इस बार एग्जाम देना अच्छा रहा आपके लिए? यस सर। क्या फायदा हुआ आपको इससे? सर एक्सपीरियंस भी मिल गया, समझने भी आ गए पेपर में बात, मतलब, और जो पढ़े थे उसके रिलेटेड भी आए। ठीक है, अब आपकी जो सोच बदल जाएगी एकदम। ठीक है, बच्चे बोलते हैं कि सर एग्जाम देना चाहिए, मैं तो कहता देना चाहिए एग्जाम। एग्जाम देने से क्या रहता है कि आप जो है एक मोटिवेट हो जाते हैं और आपको चीजें सीखने को मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, ये बेटा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात की गई, बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल की बात की गई। तो बेटा सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हमने अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया है? सबको पता होगा कि हमने, हमारे यहाँ क्या था पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो हमने किस मॉडल को लिया है? हमने जो है, हमने अपने यहाँ जो मॉडल लिया है वो कौन सा मॉडल है? हमारे यहाँ जो मॉडल है कौन सा मॉडल? ब्रिटिश मॉडल। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। बोलो बेटा, एग्री करते हैं आप? यस सर। तो इसमें सबसे खास बात यह है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, बिल्कुल सही बात, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? ये बोला भाई कि अलग कैसे है, मतलब उनका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम और हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे अलग है? ठीक है, वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आर मॉडल डिफरेंट फ्रॉम द दैट मॉडल? ठीक है, चलिए पहली बात करते हैं, पहले में क्या बताया गया। पहले में ये कहा गया है कि जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि एवं संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। क्या बात है, वेरी गुड। देखिए, एज रिगार्ड लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरन। अरे भाई, ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में तो ये कहा जाता है कि वहां की पार्लियामेंट किसी आदमी को औरत और औरत को आदमी नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती, मतलब इतनी सुप्रीम है, इतनी सुप्रीम है वहां, आप सोचिए इस बात को। आगे क्या लिखा है, ठीक है, एज रिगार्ड लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। क्या ये बात सही है? हमारे यहां तो ऐसा नहीं हो सकता कि सब कानून बना दे भाई, बेसिक स्ट्रक्चर भी तो है कुछ, केशवानंद भारती केस। यस सर, यस सर। हाँ, डॉक्टर ने बेसिक स्ट्रक्चर भी तो काम करता है, हमारी पार्लियामेंट थोड़ी इतनी सॉवरेन है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, देखो आप सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या बताया गया, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। कितनी बढ़िया बात की है, देखो, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखिए भाई, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जहां जज को अपॉइंट करते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि संविधान संशोधन जब होता है हमारे यहां, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हमारे यहाँ होता है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, और वो क्या होता है कि भी किसी सेकंड ऑप्शन सही है, क्या सेकंड ऑप्शन सही है? कहाँ हो आप लोग? यस सर। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वो रिलेटेड है किससे,
अगले क्वेश्चन में क्या बात की गई है, विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, भारत संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, करते हैं विचार। एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। अब ऐसा सजेशन जो दिया था वो फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट में किया था, ठीक है, एआरसी जो रिपोर्ट है, देखिए एआरसी रिपोर्ट कब पढ़ते हैं, मेंस एग्जामिनेशन वगैरह देने के लिए, तो जो मेंस एग्जामिनेशन एक दो बार दिए रहते हैं उनकी तैयारी होती है। तब यहां पे सबसे खास बात यह कि पहला स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा है, दूसरा, ठीक है, इसमें यहां देखते हैं, एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी सजेस्टेड दैट अ मिनिस्टर एंड अ सेक्रेटरी बी डिजिग्नेटेड, ठीक है, सोली फॉर परस्यूइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड प्रमोटिंग इट, ये गलत है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, दूसरे में क्या लिखा है, ये देखो, ये सजेशन दिया था, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये फर्स्ट एआरसी जो सजेशन है उसके द्वारा दिया गया था। अब यहां पे जो प्रशासनिक सुधार आयोग है वही बता रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है कमीशन, तो 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। क्या मतलब है इसका इंग्लिश में, इन 1970 द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966 एंड दिस वॉज प्लेस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी चार्ज। गलत है, इसका सही आंसर है कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये हर बच्चा नहीं कर पाएगा, ये वही कर सकता है जिसने मेंस वगैरह दिया हो, और मेंस में भी दिया हो तो उसने ठीक से पढ़ा हो, ठीक है, उसने एआरसी वगैरह की रिपोर्ट उसने ठीक से पढ़ी हुई है तो ही टैकल कर सकता है, अदरवाइज टैकल नहीं कर सकता है इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यार ये क्वेश्चन भी, मतलब मुझे लगता है कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन अगर बना रहे हैं तो भाई ऐसे लोगों का भी हक है, ऐसे लोगों का भी राइट है जो तैयारी थोड़ा एक दो दिन पहले स्टार्ट करते हैं, तो कम से कम उनको तो याद हो जाना चाहिए कि जो राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, आपको पता है कि आर्टिकल 21 है, फिर भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा है। और मैंने आपको क्लास से पहले जब कल मैं बता रहा था कि राइट टू प्राइवेसी काफी चर्चा में था, क्योंकि आई टी रूल्स वगैरह का आपको मालूम होगा, वहां पे आई टी रूल्स इम्प्लीमेंट किए गए थे, तो कोर्ट में यही पक्ष रखा गया था कि भाई लोगों की प्राइवेसी है, इस बात को लेके कंसर्न था। तो आर्टिकल 21 में क्या है, आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आपको पता होगा जीवन जीने का अधिकार है आपको, क्यों बेटा, आपको जो जीवन जीने का अधिकार है वो भी डिग्निटी के साथ में, प्राइवेसी के साथ में, तो ये आर्टिकल 21 में आता है, इसका सही आंसर है ये। चलिए अगली हम बात करते हैं, देखिए भारत के संविधान निजता का अधिकार किसमें आता है, अनुच्छेद 21 में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, तो क्या बताया गया इसमें, इसमें लोकसभा इलेक्शन के बारे में बताया गया है, और ये टॉपिक पहला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, थ्री लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज ये जो है ऑप्शन जो है इनका ये सही है, और जो तीसरा ऑप्शन है, जो थर्ड ऑप्शन है आपका बेटा, ये थर्ड वाला जो ऑप्शन, ये सेकंड वाला सही है, और थर्ड और ये स्टेटमेंट जो है ये गलत स्टेटमेंट है। आप इलेक्शन रिफॉर्म्स अगर आप पढ़ेंगे, देखिए आपके जो यूपीएससी के सिलेबस में है, ये आपका एक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, ठीक है, इसको हम पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बोलते हैं 1951, जो आपको पढ़ना पड़ता है, साथ साथ में इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, तो ये क्वेश्चन वहीं से बना है, अगर आप उसको ठीक से अच्छे से पढ़ दें तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अभी देखिए, अभी सबसे खास और इम्पोर्टेंट ब्लास्ट में कंक्लूजन में आता है, कितने क्वेश्चन आए हैं कुल, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बम्पर क्वेश्चन जो है इसी सब्जेक्ट से पूछे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस बात, सर
मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रीलिम्स देने जाएंगे, अगर आपको 17-18 क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, 18 का तब भी कम आए हैं, लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा आपको जो है फायदा मिलता है, एक एडवांटेज मिलता है। और अगर आप पॉलिटी पे अच्छा कमांड किए हुए हैं तो मुझे लगता है कि आप अगर आगे भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो लोग किताबें बताते हैं कि किताबें पढ़ना ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि उनसे पढ़ने की बजाय अगर आप टॉपिक डिसाइड करें, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जैसे इलेक्शन रिफॉर्म्स, अब इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर देखो नॉलेज क्या होता है। नॉलेज का मतलब ये होता है कि आपको नॉलेज, हमारे यहाँ क्या होता है, अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करूंगा, हमारे यहाँ हम बचपन में पढ़ते तो हमको टीचर बोलते थे रट के आना, याद करके आना, बहुत गलत बोलते थे। मुझे नहीं लगता कि आप क्या क्या बोलते थे, मेरे यहाँ तो ऐसे ही बोलते थे। कास्ट टीचर ने बोला होता समझ के आना तो बात कुछ और होती, राइट। तो अभी हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, हम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं, मतलब हम पढ़ें कम सोचें ज्यादा, एनालिसिस ज्यादा कर, समझें इलेक्शन रिफॉर्म्स क्या है। अगर आप जितना समझोगे, अंडरस्टैंडिंग करोगे कि क्या क्या हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉलिटी में दिया हुआ है, क्या क्या यूपीएससी मेंस में दिया गया है, कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनके कॉन्सेप्ट क्या है, उनको अच्छे से समझ के उनके नोट्स बना लोगे और प्रैक्टिस करोगे और उन पे करंट अफेयर्स अपडेट करोगे, बस बेटा आपका सिलेक्शन पॉलिटी का क्वेश्चन तो आप हमेशा टैकल करो। यही मेरा आपसे कहना है। आप किसी किताब के पीछे मत भागिए, आप टॉपिक के पीछे भागिए। और आपको ये भी पता होगा कि जब भी मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, जो जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, निश्चित रूप से इसका फायदा आपको मिला हो। क्या कहना है आपका? पॉलिटी के क्वेश्चन मैंने सारे सॉल्व किए, मिली जुली प्रतिक्रिया ये कि कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे जो आप नहीं कर पाए होंगे, तो कोई भी नहीं कर पाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर पाएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन फिर भी मतलब ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट कितने होंगे। देखो एक चीज और बता दूं आपको, मेंस देने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी रहती है, लगभग जो है मेरे हिसाब से, अब डिपेंड करता हर साल पोस्ट पे, लेकिन फिर भी 12-13-15 हज़ार तक लोग लिए जाते हैं। बहुत अच्छी तैयारी होगी, 2000 लोगों की होगी, 3000 होगी, लेकिन हमको तो प्रीलिम्स क्या करना है, क्वालिफाई होना है, हमें तो बस एडमिट कार्ड मिल जाए, इतना काफी हमारे लिए। क्या मेरी बात समझे आप, हमें कौन सा प्रीलिम्स में टॉप करना है? तो आज क्वालिटी का एनालिसिस मैंने किया, आपकी राइट आंसर्स मैंने आपको बताए हैं, अगली क्लासेस में इकोनॉमी वगैरह के टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि कितने कौन कौन से क्वेश्चन मैंने क्लास में आपके साथ डिस्कस किए थे जिनका आंसर डायरेक्टली दिया हुआ था, और आप उनको आसानी से, एक दो को छोड़ के, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया था, बाकी अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इकोनॉमी के कवर किए थे। तो आप लोगों का कुछ कहना हो तो बताएं बेटा। तो आज क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज मैंने सिर्फ डिस्कशन के लिए क्लास की बात की थी कि आप डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, और हम लोग मिल भी लेंगे कि आपका फीडबैक कैसा रहा, कैसे क्वेश्चन रहे आपके, आपका प्रयास। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, यूपीएससी एग्जामिनेशन में अगर आप ये सोचते हैं कि आपको सीखने को मिलता है, अगर आपका अच्छा एग्जाम हुआ है बहुत अच्छी बात, आप अच्छे से जम के तैयारी कीजिए मेंस की, नहीं भी होता है तो भी मेंस की तैयारी तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मेंस की तैयारी करने के बाद जो आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमेशा ग्राउंड जीरो पे ही खड़े रहेंगे, आपका कभी बिल्डिंग बनी नहीं पाई। तो हमें उस ओर बढ़ना है, हमें ये नहीं देखना है प्रीलिम्स में क्या हुआ, मेंस में क्या हुआ, हमें तो उस, अगर हमें वो चाहत है, हमें उसमें सिलेक्शन पाना है, तो हमें उस प्रोसेस में लगे रहना चाहिए। जैसे जैसे क्वालिटी आपकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी, वैसे वैसे सक्सेस की ओर बढ़ते जाएंगे, और जिस दिन आपने कमाल कर दिया बस तभी लोग पूछेंगे आप, और तभी लोग आपके पीछे भागते हैं, क्योंकि सक्सेस ही सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तभी लोग आपको पहचानते हैं, अदरवाइज कोई नहीं आपको पहचानता। बताइए आज तो आप लोग खामोश हो गए, क्या बात है, समझ भी नहीं आ रहा है, क्या डर गए क्या आप लोग? पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लगा, तो सिर्फ आपके लिए ऐसा किया, आपके लिए सिर्फ डिफिकल्ट बनाया गया क्या? नहीं सर वैसा नहीं है, मतलब पर्सनली मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो इसलिए थोड़ा अलग रहा है, बट प्रोसेस काफी मैंने
चेरिश किया कि अच्छा मतलब एग्जाम का एक्सपीरियंस भी अच्छा था मेरा, मार्क्स तो खैर वो दूसरी बात है लेकिन एक्सपीरियंस काफी कॉन्फिडेंस काफी आया इससे। बिल्कुल अक्षय आप बताइए क्या हुआ। हेलो ठीक है, फिर हम लोग जो है आगे मिलते हैं, फिर हम लोग आज मैं क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, और आपसे इंटरेक्शन करने के लिए मैंने किया था, तो आज अच्छे लगते, आज मुझे आज जो है एग्जाम देने के बाद काफी थक गए हैं राइट, तो इसलिए अब थोड़ा रिलैक्स आते हैं, बात ये है। हाँ बोलिए बेटा। यस सर बताइए कुछ तो बोलिए, एग्जाम देने के बाद क्या घबरा गए क्या? नहीं सर अच्छा फीलिंग लगा आज एग्जाम देके। अच्छा फीलिंग, किस डायरेक्शन में चलना है, कैसे पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है नहीं पढ़ना है? अच्छे से पढ़ना है सर, मतलब आज एग्जाम देने का अच्छा लग रहा था सर, एक फील हो रहा था कि एग्जाम क्लियर हो सकता है सर, पहले डर था एक थोड़ा कि क्लियर होगा कि नहीं, उस चीज का डर था, पर आज देने का ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा और फोकस रहे तो एकदम क्लियर हो सकता है सर आराम से एग्जाम। वही मैं कह रहा हूँ आप अच्छे से पढ़ाई करो, एक टॉपिक अच्छे से तैयार करो, और ये देखो कि हमें एग्जाम क्रैक कैसे करना है, हमेशा ध्यान दो ना कि हमें कितना पढ़ना है, ये चीज मैं हमेशा बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ। अभी देखो यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया, कुछ सबके लिए है ना, आपके लिए तो नहीं, ये सब स्पेशली आपके लिए हो गया हो राइट, और आप देखिए हमेशा कट ऑफ कितना जाता है, अगर ऐसा होता तो लोग फिर पता चला 75 सही है, इसी के टॉपर की भी देख लो कितने क्वेश्चन रहते जाओ 50-55, थोड़ा 10-5 क्वेश्चन का अंतर होगा बोलो। तो हमें सिर्फ प्रीलिम्स में ये ध्यान रखना है कट ऑफ क्रॉस कर जाए, और मेंस में ये ध्यान रखना है अच्छा लिख के आए, मार्क्स अच्छे मिले, और मेन सिलेक्शन दिलाएगा, इंटरव्यू रैंक दिलाएगा, इतनी सी बात है, इतनी अच्छी तैयारी हो कि प्रीलिम्स क्रैक हो जाए, आंसर इतना अच्छा लिख पाए कि हम मेंस में अच्छे मार्क्स आए, मेंस में अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा राइट, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो हमारा रैंक अच्छा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक बेटा चलिए फिर मिलते हैं, ओके गुड नाइट।